চাপদানির পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের এসকে ব্যান্ডের সদস্যরা মোমবাতি জ্বালিয়ে কেক কেটে কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী মোহাম্মদ রফির জন্মদিন পালন করলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক অনিল মিশ্র, প্রদীপ বাস্ফোর ও অন্যান্যরা। রফিকণ্ঠী শিল্পীরা এখানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। দেখুন আমাদের সেই প্রতিবেদন। एक बार हमारे अनिल मिश्रा भाई के लिए जोरदार हाथ तालियों से स्वागत करें भाई। और आज के तमाम टीम को मेहमान हमारे शकील अंसारी साहब, हमारे शक्ति भाई, खालिद भाई और हमारे मुन्ना भाई और उनके तमाम टीम की ओर से आज रफी साहब की याद को पेश किया जा रहा है। आज जहां तक पहुंच रही है सभी को सलाम आवाज करते हुए आज जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हर लोग अल्लाह ताला के भगवान की औलाद है। हम सब आते हैं इस धरती पे और फिर एक दिन चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे इस धरती पे आते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा रफी साहब जैसे लोगों का नाम रहेगा। आज के हम लोग का 24 दिसंबर मोहम्मद रफी साहब का जन्मदिन आज हम लोग मनाएंगे। इसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है कि 4 अगस्त को किशोरदा का भी जन्मदिन मनाते हैं और 24 दिसंबर को हर साल इसी तरह हम लोग रफी साहब का भी जन्मदिन मनाते हैं। क्या क्या होगा यहाँ पर? इसमें जो है कि हम लोग का कैरोक प्रोग्राम है, रफ़ी साहब के याद में कुछ उनके रफ़ी साहब के नगमे हम लोग गाते हैं और हमारे अच्छे अच्छे कलाकार भी आए हुए हैं। इनके साथ में हम लोग का जो वार्ड काउंसलर 5 नंबर का हमारे विक्रम भाई है, उनको इनवाइट हम लोग किए हैं और हमारे 8 नंबर का एक्स काउंसलर, उनको
अनिल भैया जी को हम लोग इनवाइट किए हैं, सुनील मालाकार जी है, और हमारे प्रदीप भास्कर भाई जो है कि सिविल कास्ट का जो है कि प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल का हुए हैं, उनके स्वागत समारोह में, और रफ़ी साहब का एड करके हम लोग ये दोनों खुशी हम लोग एक साथ अपना जो है कि पीबीएम रोड इस्लामपाड़ा में आज 24 दिसंबर 2023 को हम लोग मनाने जा रहे हैं। जन्मदिन में तो केक के करेगा, बाती रहेगा, क्या होगा सब। जन्मदिन आज रफ़ी साहब को बहुत धूमधाम से मनाएंगे, उनके याद में उनके रफ़ी साहब के जन्मदिन पर एक केक भी कटेगा, सेलिब्रेशन होगा, और हमारे तमाम दोस्त जो है कि यहाँ पर आए हुए हैं उनके याद में हम लोग केक काटेंगे, और कुछ एक से एक बढ़कर संगीतकार आए हुए हैं, अच्छे अच्छे गाना होगा, और हम लोग कोशिश करेंगे उनका चल लम्हे गीत गाने की। हुगली থেকে প্রদীপ বসু রিপোর্ট। ট্রিপ করতে এই সকলের আনচান করে মন, কখন যাব ঘুরতে কখন বনভোজন, তাই সকলের এই ইচ্ছে পূরণ করতে সেজে উঠেছে সকলের সুপরিচিত পালো আম্রকুঞ্জ। সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত ঠিকানা হলো আম্রকুঞ্জ। সমস্ত পরিষেবার খরচ অত্যন্তই কম। আমবাগানের পরিবেশ ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে আসুন সপরিবারে। স্পটে এসে অথবা ফোনে বুকিং করুন এই নাম্বারে। আপনাদের সেবায় প্রস্তুত আমরা।